बहन को कुछ करिए प्रधान कर अध्यक्ष सुधाकर जी का सम्मान। गुरुदेव का मैं श्रीधर शास्त्री महामंत्री प्रयाग विश्व परिषद प्रयाग की ओर से, प्रयाग नगर की ओर से, इस संस्था की ओर से, अपने साधकों की ओर से आज के मुख्य अतिथि अपने प्रदेश के राज्यपाल महामहिम माननीय सामने प्रस्तुत करें।
परम पूज्य, बुराइयों का जो अंधकार है, न्यूनताओं का जो एक अंबार है, और हमारे यहाँ जो आर्थिक विभीषिका है, दैहिक भौतिक, यह तीनों प्रकार के तापों से जलित मानो जो आज अशुपात करने के लिए है एकमात्र रास्ता, गूढ़ विद्याओं के क्षेत्र में ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र आदि, इन सभी विधाओं पर समान अधिकार रखते हैं। हम तो केवल अपने श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक कामना होती है, कस्मै देवाय हंसा विधेयम, हमारे भीतर जो अतृप्त लालसाएं हैं, अतृप्त कामनाएं हैं, वो किसको केंद्र बिंदु हम बनावे कि हम आध्यात्मिक शांति पा सकें, अपने को पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम भटकते रहते हैं, और जब हम पूज्य गुरुदेव के पास, अपने पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा बहाकर, कर्म की जमुना बहाकर और उपासना की त्रिवेणी प्रवाहित कर स्वयं मानस तीर्थ बन चुके हैं। भारतवर्ष इस अपने भारत गणतंत्र के उपराष्ट्रपति माननीय महामहिम श्री बी डी जट्टी महोदय के कर कमलों से आपको महामहोपाध्याय की उपाधि इसी प्रयाग नगरी में दी गई थी। हम आज उसे स्मरण कर अपने को गौरव अनुभव कर रहे हैं, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। महामहिम धर्म संस्कृति संस्कृत संरक्षक, शास्त्र मर्मज्ञ, ज्ञान तीर्थ, परम शिवोपासना योग में प्रवृत्त ऋषि कल्प, श्रीयमान मंडित अशेष शिष्य वृंद बंदिक पादार विंद्र डॉक्टर नारायण दत्त श्री माई को सादर सश्रद्ध सभक्ति प्रयाग विद्वत परिषद आज विद्वत श्रोमण उपाधि से समलंकृत करती है और कामना करती है कि आपके शिष्य वर्ग विनियाग भूषित हो, आपका यश सम्मान विश्व में विस्तृत हो, आपके अंतरवासी सुखी हो। श्रीधर शास्त्री महामंत्री प्रयाग विद्वत परिषद 18 अप्रैल 1995 महामहिम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रयाग विद्वत समिति के उपाध्य विद्वत श्रोमण से पूज्य गुरुदेव को समलंकृत करें। महामहिम श्री राज्यपाल जी, मोतीलाल जी वोरा, श्रीमती वोरा जी और उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वजन, अतिथि, शिष्य, शिष्याएं और श्रोता, प्रयाग में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। मैंने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही जब संन्यास लिया था तब भी ये अनुभव कर लिया था कि ये जीवन पूरा भारतीय गूढ़ विद्याओं को उजागर करने में, और जो विद्याएं संस्कृत में कठिन और दुर्बोध हो गई हैं
उनको सरल भाषा में लिखकर जन जन तक पहुंचा सकूं और जो पाखंड जो ढोंग जो न्यूनता पूरे भारतवर्ष में अंधकार सा व्याप्त हो रहा है मैं यथासंभव सूर्य नहीं तो दीपक बनकर के भी जितना भी मैं प्रयाग में इससे पहले कई बार आ चुका हूं और यहाँ के विद्वानों ने मुझे सम्मानित किया है यह उनकी विशेषता है। इस क्षेत्र में आज भी भारत शिरोमणि है और हमेशा शिरोमणि रहेगा यह मेरे से निकलने की कोशिश। आज भौतिक जीवन के 60 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष के शिष्य जितना प्यार जितना प्रेम पूर्णता तक पहुंचाएं और उन्हें यहाँ आकर इस विद्युत परिषद को विद्युत परिषद के द्वारा मुझे जो सम्मान प्रदर्शित किया है जो मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है और जिस प्रकार से यहाँ आभार देता हूँ शुभ देता हूँ। श्रीमती भगवती देवी श्रीमाली जी श्री एस के बनर्जी श्री श्रीवास्तव जी श्री एस के मिश्रा जी डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव जी राजकुमार वैश्य जी हेम सिंह जी राज चैतन्य शास्त्री जी अनिल यादव जी गुरु सेवक श्रीवास्तव जी वासुदेव जी डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव जी मंच पे बैठे हुए अन्य सभी विद्वजन उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। डॉक्टर नारायण जी श्रीमाली जिन्होंने जीवन के 60 वर्ष पूरे किए और 61वें वर्ष में उनका प्रवेश हुआ है भौतिक वादी इस युग में जन्मदिन के अवसर पर ये हम सब लोगों का ही सौभाग्य है। प्रयाग विद्या की नगरी प्रयाग साहित्य की नगरी प्रयाग शिक्षा की नगरी प्रयाग विद्वत जनों की नगरी आने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये सही है कि जो हमारी अपनी संस्कृति रही है इस संस्कृति की पहचान कोई आज की नहीं है क्या है, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी विशाल रही कि जिसने इन सारी संस्कृतियों का अपने आप में समावेश किया और तभी जाकर ये भारतीय संस्कृति आज बनी है। इस भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हमारे बीच में ऐसे समझाने वाले विद्वत पुरुष समय समय पर आते रहे हैं। हम कहाँ पर हैं, रास्ता हम भटक गए हैं। भौतिकवादी युग की जो चकाचौंध है इस चकाचौंध में हमने सब कुछ यही मान लिया है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वही सत्य है, उसके आगे हम देखना नहीं चाहते। जो हमारा अध्यात्म का ज्ञान है उसे हमने पाश्चात्य संस्कृति की जो दुहाई देने वाले लोग हैं उनसे मिलकर Thank you.
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।